आज जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन हमारा ग्रुप बी में 6 का B नंबर में पूछा गया, और भी कई ईयर में पूछा गया है, आप देख लेना। मैं आज इस क्वेश्चन को करने वाला। तो हमारा क्वेश्चन है कि हमको AB का हॉल इनवर्स दिखाना है कि उसका इनवर्स जो है B इनवर्स A इनवर्स होता है। इसको ऐसे समझो, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ आप बताओ कि 2 में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि उसका मान 1 आ जाए। अगर आपने इसको बता दिया तो समझ लो कि आपको, जब आप इस क्वेश्चन को बनाओगे ना, तो आपको बढ़िया से समझ में आएगा। अब बताओ कि 2 में किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 1 आएगा। आप कहोगे हाँ भैया, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका मान 1 आएगा। इसका मतलब ये जो 2 है, 2 का हम इन्वर्स करेंगे तो वो ये 1/2 के बराबर होगा। ठीक, इस क्वेश्चन में बताओ तो 2/5 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 1 आएगा। आप बोलोगे भैया 5/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसका मान 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो 2/5 है, इस 2/5 का हम इन्वर्स करेंगे तो वो क्या आएगा, मेरा 5/2 आएगा। इसका मतलब ध्यान से समझना कि अगर 2 का इन्वर्स 1/2 था तो हम 2 और 1/2 को मल्टीप्लाई किए तो 1 आया। ठीक, अगर इसका इन्वर्स ये था तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो इसका मान 1 आया। अगर इसका इन्वर्स ये है, इसका इन्वर्स ये है, इसका मतलब इस दोनों को मल्टीप्लाई करें उसका मान हमको आइडेंटिटी आना चाहिए। ये आइडेंटिटी है मेरा। अगर हम ये दिखा दिए कि इस दोनों का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी आ रहा है, इसका मतलब इसका इनवर्स जो है इसके बराबर हो रहा है इस दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद। चलो हमारे माइंड में ये सेट हो गया, हमको इसका मल्टीप्लाई निकालना है। चलो मैं बनाता हूँ। हमने क्या किया, क्योंकि हमको ग्रुप जी दिया हुआ था और हम जानते हैं कोई भी ग्रुप होने के लिए इसको 4 प्रॉपर्टी फॉलो करना होता है। उसमें से एक प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। उस प्रॉपर्टी से जो है मैंने ये लिखा, a इनवर्स a इनवर्स a इक्वल टू आइडेंटिटी। मतलब अगर 2 है, 2 का इनवर्स 1/2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो आइडेंटिटी को ही देगा। वही चीज को मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक, b मैंने a और b कोई 2 एलिमेंट लिया है जो कि g में बिलोंग कर रहा है। अगर a और b g में बिलोंग कर रहा है तो इसका इनवर्स भी जो है g में बिलोंग करेगा। ऐसे समझो, अगर 2 मेरा जी में बिलोंग कर रहा है तो 2 का इनवर्स 1/2 भी मेरा कहाँ बिलोंग करेगा, जी में बिलोंग करेगा। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, अब यहाँ पे हमको प्रूव क्या करना है, इसका मान हमको आइडेंटिटी दिखाना है, इसका मान आइडेंटिटी दिखाना है। चलो हम प्रूव करते हैं। इस सब में मल्टीप्लाई है, हम बी और बी इनवर्स को एक जगह रख लेते हैं। बी बी इनवर्स का मान यहाँ आइडेंटिटी दिया हुआ है, यहाँ पर आइडेंटिटी रख लेते हैं। आप ऐसे मान के चलो कि आइडेंटिटी मेरा 1 है। ठीक, अगर बी में उसके ठीक अपोजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आंसर आएगा, आइडेंटिटी आएगा। और 1 में ये सब में मल्टीप्लाई करेंगे उसका मान जो वही संख्या रह जाएगा, तो ए ए इनवर्स आ गया। अब ए ए इनवर्स क्या होता है, वो आइडेंटिटी के बराबर होता है, इसका मान आइडेंटिटी आ गया। मतलब मैंने इसका जो वैल्यू है आइडेंटिटी मैंने प्रूव कर दिया। इसका मतलब ये जो है इसका इनवर्स ये संख्या है, प्रूव हो गया।